और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है, अब्दुल्ला आजम की याचिका का मामला है। सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई। अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। 3 सप्ताह के अंदर सरकार को जवाब दाखिल करना होगा और मुरादाबाद कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई है। मुरादाबाद कोर्ट के फैसले पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी इस याचिका में। तो हाईकोर्ट से भी अब्दुल्ला आजम को कोई राहत फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। 3 हफ्ते का समय दिया गया है। तो कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। 3 सप्ताह के अंदर सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। मुरादाबाद कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई है और मुरादाबाद कोर्ट के फैसले पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी।